भाई ये कितने की खरीदी कर डाली आपने? किंजल किंजल दिख रहा? धूप का चश्मा तो धूप में पहनते हैं, लेकिन शाम को तो क्या? अरे पिक्चर के हीरो हीरोइन भी रात में ही पहनते हैं। अब वो सब छोड़ना, ये देख मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ, तुझसे दुगनी। दुगनी फाई? हाँ। मम्मी जी ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया, घंटे भर से पैकिंग में इस दोषी की मदद किए जा रही, लेकिन इसकी पैकिंग खत्म ही नहीं हो रही है। अरे राशि बहू, कोयली ने मेरा वो संदूक कपाट के ऊपर रखा है, जरा उतार के तो दे। एक और संदूक? चपैक, मुझे तो लगता है ये दोषी मुझे रात भर ना ये खटा के रखेगी। कुछ सोच, वरना ये नानी के धरोहर का बदला चुकाते चुकाते ना पूरी रात बीत जाएगी। आउच! छोटा हो जिगर ही वो नानी जी, मुझे लगता है मेरी कमर की नस खींच गई। मुझे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, वो मुझे लगता है मैंने ये बैग ठीक से नहीं उठाई। उफ, जा रेवा दे, तू आराम कर। अच्छा मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर आके ये पैकिंग खत्म कर दूंगी। जय श्री कृष्ण एम भाई। मणिबेन, एमजी के लिए जाके चाय चढ़ाइए ना। जी। मुझे नहीं चाहिए। लाइए, आपका लैपटॉप मैं कमरे में रख देती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत किया करो। और वैसे भी नानी तो इस वक्त यहां है नहीं, तो ये दिखावा करने की जरूरत क्या है, इसे तो तुम हाथ भी मत लगाना, समझे? वैसे ही मैं देख चुका हूं कि कैसे तुमने इसे कपड़ों के साथ सुखाने के लिए डाल दिया था, और तुम्हारी समझ का क्या, हो सकता है इसे इस बार वॉशिंग मशीन में ही डाल दूं धोने के लिए। नहीं एम जी, अब इतनी बड़ी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। शुक्रिया किंजल जी। हुक्के भी लागू छू। अरे बता ना कैसी लग रही हूँ। मुझे वो नखरे वाली मिसेस देसाई है ना, उसके साथ बात पे जाना है। बता ना ये ट्रिक में मैं कैसी लग रही हूँ। अरे मन में मत बोल, जोर से बोल। ट्रिक सूट नहीं, ट्रैक सूट। अरे वो जो भी हो, ट्रिक हो या ट्रैक, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बता ना जच रही हूँ कि नहीं। फाइव, बहुत जच रहा है।
है ना? हाँ भाई जच रहा है, पर जरा हटके। फई को क्या हो गया आज? कितनी क्वाइट लग रही है। क्वाइट नहीं, क्यूट। क्यूट। माँ, ये आपकी बैग। कोयली। जी माँ। कपाट में से मेरे साड़ियाँ जरा पकड़ा दे तू। माँ, यूँ अचानक आप मत जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए ना। माँ, मैं 15 दिन भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। रुक जाइए ना माँ, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। कोयली, गांव में कभी कभी मेरा अकेलापन मुझे बहुत डरा देता है और उसे दूर करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तू तो जानती है, तेरे और सब भाई बहन परदेशी हो गए हैं, वो कभी कभी मिलने चले आते हैं, मगर उनके जाने के बाद फिर मैं अकेली की अकेली। यहाँ आने से पहले मेरे मन का और घर का खालीपन इतना बढ़ गया था कि मैंने फौरन सोच लिया कि यहाँ आऊंगी तेरे भरे पूरे घर में तो चहल पहल और सबके प्यार से मैं भर जाऊंगी। लेकिन ये मत समझना, मुझे यहाँ प्रेम नहीं मिला, बहुत कुछ मिला लेकिन साथ में दुख भी मिला। साचू बोलू, तेरे घर में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है, बच्चे बुजुर्गों के पास रहते हैं लेकिन उनके साथ नहीं है, लेकिन बच्चों में अपनापन एकता नहीं है, यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्तों में भी नदी के 2 किनारों की तरह दूरियां बनी हुई है, और ये मेरे लिए सब दुख और चिंता का विषय है। तेरे बेटे और बहू के बीच इतनी दूरियां देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। आज अहम के साथ उसकी माँ है, लेकिन तेरे बाद अहम का कौन? तब तक तो ये दरारें इतनी बढ़ जाएगी कि उसे भरना भी असंभव हो जाएगा। कोयली, मैं तुझे वचन देती हूँ, जिस दिन तेरे बेटे और बहू के बीच के फासले मिट जाएंगे, वो पति पत्नी के रिश्ते को समझ जाएंगे, तब मैं यहाँ फिर वापस आऊंगी। जी कितने गहरी नींद में है, एकदम शांत। काश मैं उन्हें बता पाती कि 24 घंटे में यही वो कुछ पल होते हैं जब मैं उन्हें जी भर के देख सकती हूँ। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे मामलों में दखलअंदाजी मत किया करो, और वैसे भी नानी तो इस वक्त यहाँ है नहीं, तो ये दिखावा करने की जरूरत क्या है? इस सिंदूर को मांग में ये समझ के मत लगाना कि ये विवाहित जीवन की निशानी है, बल्कि ये सोचकर इसका प्रयोग करना कि ये सिंदूर वो शक्ति है जो विवाहित जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों में पत्नी को डगमगाने से बचाती है। जब भी इस डिबिया में से तू सिंदूर लगाया करेगी, तब आशीर्वाद के रूप में मेरी ये कही बातें तुझे याद आया करेगी और तेरी विवाहित जीवन की कमियों को दूर करेगी। नहीं नहीं, मुझे नानी जी की बातों को याद रखना होगा।
और अपने विश्वास को ऐसी मजबूत बनाए रखना होगा। कान्हा जी, इसमें आप मेरी सहायता कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। और जब तक अहम जी मुझे अपने पास आने की इजाजत ना दे, तब तक आप उनका ख्याल रखिएगा और उन्हें ऐसे ही संतुष्ट और शांत रखिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अभी दिखाई पड़ रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।